वहां पर वो फेड फेज हो जाएगा अगर आप रेत से कंपेयर करेंगे तो वो रेत का फेड फेज को आप, फेड क्यों बोल रेत का फेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं बट फेड का फेज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली जहां पर आप एट थे वहां पर वो चला जाएगा सो अगर आप बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में हो तो आप वहां पर इंस्टेंटली जा सकते हैं ये इसका ट्रांजिशन एंड एनिमेशन ना रेत जैसे ही है क्योंकि अगर एक इंस्टेंटली जैसा पहला रेत हुआ करती थी इंस्टेंटली फेज हो जाना अगर वैसा रहता तो ये बहुत

का एंड जो भी वो वो डोम के अंदर होगा हो जाएगा फॉर क्योंकि ताकि शूट ना कर ना ही हम को शूट कर तो अगर आप रिसेट करना है, उनको फेस कर सकते हैं एंड तब तक तो आप रिसेट कर लेंगे अगर आपके पास रेत है और रेत का, का और फेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली हो सकता है तो इसके पर्स के बारे में बात करते हैं Life takes, I take back. So, इसका पैसिव का नाम है स्लिप स्ट्रीम इसका टैक्टिकल का फ्लैश बैक है एंड अल्टीमेट का फेज चेम्बर है लाइक और डोम डोम का exactly का ऐसा ये एग्जैक्टली जीबी जो है ना वैसा नहीं दिखता है वो वो कुछ सेकंड के लिए ऐसा कुछ पता नहीं चेम्बर टाइप ही कुछ दिखेगा वो आपको तो मैं रेंज में दिखा दूंगा तो इसके पर्क के बारे में बात करते हैं इसका पहला पर्क ये है रिन्यूड पर्प एग्जिटिंग फेज स्पेस ट्रिगर सर्च ओके तो इसका बहुत ही कॉमन फेज क्या पैसिव एबिलिटी यूज करने का वॉइस लाइन ये है की Surging. तो अगर आप phase space से एग्जिट करेंगे तो आपका सर्ज एक्टिवेट हो जाएगा आपको two seconds के लिए वो boost मिले सो आप critical situation से बाहर निकल सकते हैं मैंने ये अनलॉक कर दिया है क्योंकि मैंने फेट थोड़ी देर के लिए खेला है समझ गया इसको कैसे खेलते हैं एग्जैक्टली exactly रेत का ऐसे ही खेलते हैं नेक्स्ट वाला है अनलॉक किया मैंने करना पड़ा यार नेक्स्ट वाला पैक्ट ऑफ सूट

ही, अभी ये लगाने के बाद ही देखना पड़ेगा कि कितना रिस्टोर करेगा तो नेक्स्ट वाले में चले जाते हैं लिंगरिंग शैडो सर्च लीव्स बिहाइंड आफ्टर इमेज दैट स्क्वाड मेट्स कैन टच फॉर ए स्पीड बूस्ट ओके सो ये वाला एबिलिटी ना ऑलरेडी एपिक्स लेजेंड्स ओरिजिन में एक लेजेंड का अल्टीमेट का हिडन पैसिव है ये तो वो जब वो आएगा उसके बारे में बात करेंगे तो उसको ये दे दिया है और जब भी ये सर्ज करेगा मतलब इसको जब इसका पैसिव जब भी एक्टिवेट होगा तो ये एक आफ्टर इमेज छोड़ेगा अपने बॉडी का ताकि अगर अपना स्क्वाड मेट्स इसको

समझ गया तो लिंगरिंग शैडो सर्ज ये लिंगरिंग येडो पैसिव यूज करने के बाद आता है एंड ये फेस ना अपना टैक्टिकल यूज करने के बाद आता है तो आई डोंट थिंक सो ये जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी लिंगरिंग शैडो करता है वो काम तो फिर फ्लैश बैक की क्या जरूरत है ना एंड वैसे भी ये बहुत ही एग्रेसिव लेजेंड है तो मोस्टली हमारे अगल बगल में हमारे स्कवाडमेट नहीं होंगे वो दूसरे एंगल्स में मारने की कोशिश करेंगे तो ये बेकार है नेक्स्ट पनिशर्स रिमोर्स यू कैन फ्लैश बैक नॉकडाउन ओके सो ये

करते हैं देखते हैं इसको रेंज में कैसे यूज करते हैं एंड मुझे शुरू में लगा कि ये क्या है यार रेत का ऐसी है तो इसके एबिलिटीज बट इसको यूज करने के बाद ना मुझे समझ में आ गया कि कितना एग्रेसिव प्लेयर है ये लिटरली क्रिटिकल सिचुएशंस में मैं इतने बार बच गया ना डोंट आस्क मी सो हम आ गए हैं रेंज में अभी हम जाएंगे सो so, इसका स्लाइड करने से पैसिव एक्टिवेट हो जाता है देखो एक्टिवेट हो गया है एंड यहाँ पर दिखा भी रहा है वैसे मैचेस में नहीं दिखाता है वो सिर्फ रेंज में दिखाता है रेंज में अलग क्यों है तो आप इसके पीछे जो ब्लू कलर के लाइट्स जो लाइट नहीं फ्लेम्स जो लाइट हो रहा है उसका मतलब यह है कि इसका पैसिव अनलॉक हो गया है एंड जब भी आप स्लाइड करके खड़े होंगे ना तो उसका पैसिव एक्टिवेट हो जाएगा एंड शायद इसका पैसिव का स्पीड एंड ऑक्टेन का टैक्टिकल का स्पीड सेम है अभी हम वो बाद में टेस्ट करेंगे जब कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे एक एक लेजेंड का ओके सो okay, so इसका अल्टीमेट रेडी हो गया है अच्छी बात है So, अगर आप सोचो एक एनिमी को मार रहे हैं और उसके हाथ में गन है तो उसका रेत के एबिलिटी जैसे ही आप इसको फ्लैशबैक कर सकते हैं सो जस्ट इमेजिन मैंने इसको मारा और यह वाला एनिमी मार रहा है तो हम रिसेंटली पुराने वाला बॉट के पास जा सकते हैं क्योंकि हम लोग एट सेकेंड्स पहले यहां पर थे तो हम वहां से यहां पर आ गए एग्जैक्टली रेत का टैक्टिकल जैसा है बट रेत का टैक्टिकल को हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये जहां पर हम एट सेकंड्स पहले थे वहां पर आ जाएगा तो ये माइंड में रखना कि अगर आपको विद इन एट सेकेंड्स में एक एनिमी को पुश करना है तो हमेशा एक कवर से पुश करो क्योंकि मैंने वही ट्राई किया है एंड दैट इज़ वेरी यूजफुल एंड एक सिनेरियो में मैंने एक ओपन एरिया में ओपन एरिया के ओपन एरिया में था एट सेकेंड पहले एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है तो मुझे सीधा वो ओपन एरिया में ला छोड़ दिया है एंड एनिमी ने मुझे मार दिया तो हमेशा कवर के साथ ही चलना अगर ये लेजेंड के साथ खेलना है तो तो इसका मैं अल्टीमेट समझा देता हूँ इसका अल्टीमेट को अगर हम यहाँ पर ये बॉट के साथ ट्राई करेंगे तो इसका अल्टीमेट को हम लॉन्च करना ही पड़ता है, क्विक रिलीज नहीं है इसका एक पर्पल कलर का दिख रहा आपको, जो कि जिबी जितना हो सकता है या उससे भी बड़ा हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट वाला लेजेंड जो आएगा ना या उसके दो सीजन के बाद जो लेजेंड आएगा ना उसको भी ये वो कर सकता है काउंटर कर सकता है तो अगर हम इसको ये डोम के अंदर डाल देंगे बॉट को तो ये थोड़े सेकंड के लिए गायब हो जाएगा एंड इसके अराउंड जो बॉर्डर दिख रहा है वही स्कैंड एनिमीज हैं तो इसको हम वॉल्स के थ्रू भी देख सकते हैं एंड so, मैंने नोटिस नहीं किया ये शायद सिर्फ अरिना में क्या है क्या बोलते हैं सिर्फ फायरिंग रेंज में है मैंने मैच में नहीं देखा है आई थिंक मैं इसका अल्टीमेट यूज करके भाग जाता हूँ <laughs> तो इसका टेन हेल्थ भी रेड्यूस हो गया है हेल्थ नहीं इसका शील्ड टेन पॉइंट्स रेड्यूस हो गया है एंड इसका गन गायब हो जाएगा क्योंकि फेस स्टेट में हम कुछ नहीं यूज कर सकते हैं एंड गन्स को हम नहीं ले जा सकते फेस में सो so ये था इसका अल्टीमेट ये वर्जन तो exactly सोच लो एंड यहाँ पर जो आपने देखा अभी वो क्योंकि मैंने सर्च यूज किया है ना वो एक आफ्टर इमेज था मेरा बॉडी का अगर मेरा स्कवाड में टच करता तो उसको भी थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता तो वो एक अच्छी बात है तो वहाँ पर देखो एक आफ्टर मैच पर्पल कलर का दिख रहा है एंड आई थिंक ये फाइव टू सेवन सेकेंड्स तक रहेगा उसके बाद अगर टच किया किसी ने तो गायब हो जाएगा शायद हम टच कर सकते हैं क्या अच्छा हाँ हम खुद कर सकते हैं एंड हमको बूस्ट भी मिलेगा हमें ओके सो डबल बूस्ट हो गया ये हम खुद भी कर सकते हैं हमारा में टीम भी कर सकते हैं एंड वो शायद सेवन सेकेंड्स तक है लेट्स काउंट अगेन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके सो टेन सेकेंड्स विच इज बहुत ज्यादा यार टेन सेकेंड्स ओके इसका वॉइस लाइन बड़ा था कट गया बीच में <laughs> सो so, ये था फेड बहुत ही इंटरेस्टिंग लेजेंड है ये एंड वन ऑफ द यूनिक लेजेंड्स है ये फर्स्ट वन बीइंग रेथ एंड एक और लेजेंड आएगा फ्यूचर में जिसका एक एबिलिटी ये होगा कि ये फेस कर सकता है एंड अगर आप ऐसे एपेक्स फॉलो कर रहे हो तो एंड यू नो कौन सा लेजेंड है वो तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना एंड नेक्स्ट वाला लेजेंड ना बहुत ही <laughs> बहुत ही गोर्जेस वाला लेजेंड होने वाली है तो अगर आप समझ गए देन यू नो हु शी इज सो हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइलिंग स्टे सेफ एंड बाय बाय